भारतीय बैंकों का 9000 करोड़ रुपए लेकर चंपत हुए विजय माल्या को क्या भारत लाया जा सकेगा? क्या कहती है भारत और यूके की प्रत्यर्पण संधि? आखिर क्यों गुलशन कुमार हत्याकांड के आरोपी नदीम का प्रत्यर्पण कराने में असफल रही भारत सरकार? प्रत्यर्पण यानी कि देश में अपराध करके दूसरे देश में भाग चुके व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया से वापस लाना। यूके के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि साल 1992 में हुई। तब से लेकर अब तक भारत ने जितने लोगों के प्रत्यर्पण की मांग की उनमें से सिर्फ एक का ही प्रत्यर्पण संभव हो पाया, वो भी इसलिए कि अभियुक्त खुद ही अपना प्रत्यर्पण चाहता था। यूके से किसी अभियुक्त को भारत लाना कितना मुश्किल है इसका अंदाजा गुलशन कुमार हत्याकांड के अभियुक्त और म्यूजिक डायरेक्टर नदीम अख्तर सैफी के प्रत्यर्पण केस से लगाया जा सकता है। एक जमाने के सुपरहिट म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण के नदीम पर फिल्म प्रोड्यूसर गुलशन कुमार की हत्या का आरोप लगा तो वो यूके में थे। भारत सरकार ने यूके से नदीम के प्रत्यर्पण की मांग की। यूके के हाईकोर्ट ने नदीम के प्रत्यर्पण की याचिका को खारिज कर दिया। भारत ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इसकी अपील की मगर यहाँ भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया। नेवी वॉर रूम लीक केस के अभियुक्त रवि शंकरन के मामले में तो भारत सरकार ने अपील तक नहीं की। दरअसल यूके से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया बहुत जटिल है। प्रत्यर्पण की अपील यूके के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास से कोर्ट भेजी जाती है। संतुष्ट होने के बाद कोर्ट वारंट जारी करता है और फिर प्रत्यर्पण के मामले की सुनवाई शुरू होती है। अगर जज संतुष्ट होता है तो केस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास फैसला लेने के लिए भेज दिया जाता है। इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है मगर ये अपील की सुनवाई तब हो सकती है जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोई फैसला ले ले। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को 2 महीने में फैसला लेना होता है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। यूके में प्रत्यर्पण को लेकर काफी सख्त नियम है। मसलन अगर किसी अभियुक्त के प्रत्यर्पण की मांग ऐसे केस के लिए की जा रही है जिसमें मौत की सजा हो सकती है तो यूके प्रत्यर्पण की मांग को अस्वीकार कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।